आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में एनडीए की बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता रहे शामिल, वहीं 38 पार्टियां हुई शामिल। 2024 में एनडीए बनाम इंडिया में होगी जंग, बेंगलुरु की बैठक में फैसला, विपक्ष के कई गठबंधन का नाम अब। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के 2 दिन की राहत, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में से मिली अंतरिम जमानत, 20 जुलाई को अगली सुनवाई। पीएम नरेंद्र मोदी का 27 जुलाई को सीकर दौरा, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी करेंगे ट्रांसफर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने सभा स्थल का लिया जायजा। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 किया पारित, जेलों में भी होंगे कई सुधार। राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल, 25 आरपीएस अधिकारियों के तबादले, रघुवीर सैनी को लगाया एएसपी डिस्कॉम जयपुर, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। टोंक में नगर परिषद एक्सीएन राकेश कुमार शर्मा निलंबित, कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जारी किया आदेश, लापरवाही और अनियमितता बरतने के चलते हुई कार्रवाई। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आबकारी निरीक्षक सुनील कुमार 6000 की रिश्वत लेते ट्रैप, मासिक बंदी लेते एसीबी ने दबोचा। जयपुर सीएमओ में हुई अहम बैठक, टीएसपी के मुद्दे को लेकर हुई बैठक, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित अन्य नेता रहे मौजूद। जोधपुर में गैंगरेप का मामला, एबीवीपी का जयपुर से लेकर अजमेर तक विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां, कई कार्यकर्ता हुए घायल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पेश की मानवता की मिसाल, अलवर निवासी व्यक्ति का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन, ऑपरेशन पर आए 15 लाख के खर्च का राज्य सरकार करेगी भुगतान। करौली में जिला स्थापना दिवस पर निकाली गई साइकिल रैली, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निकाली गई रैली, जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर मुरलीधर प्रतिहार ने दिखाई हरी झंडी। अलवर के थानागाजी में प्रधान की दबंगाई से परेशान व्यक्ति, थाने में जहर पीकर की आत्महत्या की कोशिश, पंचायत समिति प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप, मामले में पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। धौलपुर के बाड़ी में नशे में धुत ट्रक चालक ने मचाया उत्पात, लोगों ने इधर उधर भागकर बचाई जान, ट्रक चालक की करी धुनाई, पुलिस को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल ने जेल अधीक्षक सहित अन्य के खिलाफ किया परिवाद पेश, वहीं जेल के अंदर की फोटो प्रकाशित होने को लेकर लगाया परिवाद। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की भारत पाक सीमा पर फिर ड्रोन का मूवमेंट, पाकिस्तान की ओर से आया ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने की 20 राउंड फायरिंग, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। दौसा के लालसोट में 11 जुलाई से चल रही श्रीमद् भगवत कथा का हुआ समापन, आचार्य रामचंद्र दास जी द्वारा जारी कथा में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। श्रीगंगानगर से रायसिंह नगर में बिजली विभाग की अनदेखी, लोगों पर भर रही है बारी, वहीं देर रात कई जगह पर घरों में हुआ नुकसान, एसी कूलर पंखे फ्रिज सहित बिजली के उपकरण फूके, बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अजमेर के ब्यावर में बदमाशों ने किया एटीएम लूट का प्रयास, सीसीटीवी कैमरे के पर मारा स्प्रे, सायरन बजने से फरार हुए तीनों बदमाश, पुलिस कर रही है फरार बदमाशों की तलाश। भरतपुर के वैर में हथियार के साथ लूट करने का आरोपी गिरफ्तार, 2 व्यापारियों से हुई थी लूट की वारदात, 5 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। जालौर में बागोड़ा के भलानी गांव में अतिक्रमण पर चली जेसीबी, 11 हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने जमाया था कब्जा, गोचर और स्कूल मैदान की जमीन पर कार्रवाई। जालौर के साचौर में झांसे में लेकर युवक का अपहरण, बहला फुसलाकर बाइक पर बिठाकर ले गए बदमाश, अपहरण कर युवक के साथ की जमकर मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दौसा के लालसोट में जीप और कार के बीच हुई भीषण भिड़ंत, लालसोट के कोथुन रोड पर स्थित लाड़पुरा के पास हुआ हादसा, हादसे में 6 लोग हुए घायल, सभी छात्र कोचिंग सेंटर जा रहे थे पढ़ने।
जालौर के सांचौर में चाय वाले के साथ भयावह अत्याचार, ग्राहक को चाय पहुंचाने में देरी करना पड़ा भारी। गुस्साए ग्राहक ने गर्म केतली को दुकानदार पर उल्टा किया, घटना में दुकान मालिक झुलसा। दौसा के सिकराय में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। अस्पताल के बाहर परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, शव लेने से किया मना। सीकर के उद्योग नगर इलाके के नवलगढ़ रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कुछ युवक डंडे से कर रहे हैं 2-3 युवकों की पिटाई। फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। टोंक के देवली में बांध से युवा लगा रहे हैं गोते, भारी पड़ सकती है सैलानियों की मौज मस्ती, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भरतपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के पैर में मारी गोली, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस कर रही है फरार आरोपी की तलाश। भीलवाड़ा के कोटड़ी में छात्र छात्राओं ने की स्कूल की तालेबंदी, अध्यापकों की कमी के चलते की गई तालाबंदी, छात्र कर रहे कमी को पूरा करने की मांग। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में लगी आग, बी फैब्रिक वार्ड के में आग से मची खलबली, वार्ड में भर्ती थे कैंसर समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित बच्चे, सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। झुंझुनू में परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह का शहादत दिवस आज, स्मारक पर शहादत दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और SP श्याम सिंह ने अर्पित की श्रद्धा सुमन। सीकर में युवक की हत्या का मामला, रात 10 बजे पिपराली चौराहे से किया था युवक का अपहरण, हाथ पैर बांधकर ददिया इलाके में रेल की पटरी पर पटका, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। झुंझुनू में चुनावी मोड़ में बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक फरनामी पहुंचे झुंझुनू, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला। कोटा के बड़गांव इलाके में फांसी का फंदा लगाकर किसान ने की आत्महत्या, 55 साल के किसान ने अपने घर में लगाई फांसी, पुलिस कर रही है आत्महत्या के कारणों की जांच। जैसलमेर के रामदेवराव में पुलिस की कार्रवाई, गायों को बांधकर भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कई गायों को पुलिस ने करवाया मुक्त, समुदाय विशेष के लोग गायों को बांधकर दिन भर करते थे भिक्षावृत्ति। बीकानेर में पारिवारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमार जैन ने सरकारी आवास की गिरी छत, वहीं रसोई की छत का प्लास्टर सुबह भरभराकर गिरा, PWD को अवगत करवाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की हत्या का मामला, बांसवाड़ा में भी दिखने को मिला विरोध प्रदर्शन, वहीं समाज के लोगों ने रैली निकाली और इसके बाद गांधी मूर्ति क्षेत्र में एकत्रित होकर जताया विरोध। झुंझुनू के नौरंगपुरा गांव में शव मिलने से फैली सनसनी, बुड़के बालाजी मंदिर के पास मिला शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। चूरू के रतनगढ़ में चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं में 3 मुलजिम गिरफ्तार, वहीं पुलिस ने चोरी की हुए 9 GI पाइप और मोटरसाइकिल की बरामद, आरोपियों ने चोरी की वारदातों को किया कबूल। कोटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन में आग से मौत का CCTV आया सामने, जान बचाने वाली मशीन ने छीनी मरीज की सांस, वहीं अस्पताल ने बनाई जांच कमेटी। कोटा में समस्या का समाधान करने वालों की बढ़ रही है समस्या, वहीं हेल्प डेस्क कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन, 400 कर्मचारी पेंच परेशान, नहीं मिल रहा समाधान, वहीं परेशान कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में करीब 1.5 महीने पहले मिले 2 बमों को सेना ने किया डिफ्यूज, वहीं तेज धमाके के साथ आसमान में उड़ा हवा का गुब्बारा। सूरतगढ़ थर्मल रेलवे यार्ड में हुआ हादसा, मालगाड़ी का डिब्बा हुआ पेपटरी, वहीं सूरतगढ़ थर्मल के सब क्रिटिकल पावर प्लांट का मामला। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जोधपुर गैंगरेप को लेकर चिंता की जाहिर, बोली स्कूलों में के खिलाफ SOP हो जारी, आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिले। बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत उदयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जिला संयोजक तखत सिंह सहित अन्य रहे मौजूद।
सूर्य के रतनगढ़ में 16 वर्षीय किशोरी ने की आत्महत्या। बदनामी के डर से युवती झूली फंदे पर, माने पुलिस थाने में दर्ज कराया मामला। उदयपुर में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। एमबी हॉस्पिटल के प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सीआरपीएफ के एसआई धर्मवीर यादव का निधन। कोटपुतली स्थित पैतृक गांव गंडाला में हुआ अंतिम संस्कार। मणिपुर में ड्यूटी पर तैनात थे सैनिक धर्मवीर। अलवर में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से प्रदेशव्यापी आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। 11 सूत्री मांगों को लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के बाहर दिया जा रहा है धरना। जैसलमेर में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मी 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मी कर रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। सीकर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी पहुंचे खाटू श्याम मंदिर। कार्यभार ग्रहण करने से पहले किए बाबा के दर्शन। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने कलेक्टर का किया स्वागत। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का मामला। कौशल नियोजन मंत्री अशोक चांदना ने विधानसभा में दिया जवाब। बोले 4,83,000 को भत्ता मिल चुका है। जयपुर में गृह कलेश में पति ने की पत्नी की हत्या। वहीं पत्नी पर पेचकस से ताबड़तोड़ किए वार। शास्त्री नगर थाना इलाके के सीकर हाउस का केस। उदयपुर जिले में युवक का कुएं में मिला शव। खेरोदा थाना क्षेत्र से लापता हुआ था युवक। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में भोपाखेड़ा का मामला। गंगापुर सिटी में बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत धरना प्रदर्शन। गंगापुर के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर सहित अन्य रहे मौजूद। खेतड़ी नगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला। हत्या के 10 दिन बाद भी नहीं हुआ डबल मर्डर का खुलासा। आक्रोशित लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए पहली पसंद बना राजस्थान। पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सलीम खान ने दी जानकारी। अवैध शराब बेचने व परिवहन करने वालों के खिलाफ रामदेवरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रामदेवरा पुलिस ने 121 पेटी देशी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया। श्रीमाधोपुर इलाके के सैकड़ों किसान जयपुर के लिए हुए रवाना। किसान महापंचायत की ओर से दिए जाने वाले धरने में होंगे शामिल। जोधपुर गैंग रेप को लेकर शहर शहर प्रदर्शन। दौसा में जिला कलेक्टर पर एबीवीपी का धरना प्रदर्शन। कलेक्टर कंवर चौधरी को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर के फलसुंड में पानी के टांके में गिरने से 58 वर्षीय विकलांग महिला की हुई मौत। मवेशियों को पानी पिलाते समय हुआ हादसा। जोधपुर में नाबालिग युवती से गैंगरेप का मामला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के वीसी को सौंपा ज्ञापन। निष्पक्ष जांच करने की छात्रों ने की मांग। दिल्ली दौरे पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल ने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात। रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों को व्यापक बनाने पर हुई चर्चा। झुंझुनू में नर्सिंग कर्मियों का बीडीके अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना जारी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहा है धरना प्रदर्शन। वेतन विसंगतियों और पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मी। बारह में बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का किया आगाज। प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की बताई विफलताएं। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के पोस्टर का भी किया गया विमोचन। सवाईमाधोपुर में मकान निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने किया दूसरे पक्ष पर हमला। हमले में 3 लोग हुए घायल। बूंदी के केशवराय पाटन में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोठवाल का किया गया भव्य स्वागत। इस अवसर पर योगेंद्र श्रृंगी जिला महामंत्री भी रहे मौजूद। टोंक पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पिस्टल के साथ कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर हत्या समेत आधा दर्जन मामले हैं दर्ज।
भरतपुर के डीग में बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत प्रदर्शन जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टोंके निवाई में सड़क पक्की नहीं होने से परेशान ग्रामीण, प्रसव के बाद चारपाई पर ले जाते हैं नजर आए ग्रामीण। सवाई माधोपुर के बंबूरी खरेदा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। अलवर में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना जारी, किया जा रहा है धरना। नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर की धरने की शुरुआत। उदयपुर के खेरोदा में दो दिन पूर्व लापता युवक के शव मिलने का मामला, वहीं ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए किया रोड जाम, मामले की खुलासे की मांग। जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना। 22 गोदाम पर बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम की श्री बालाजी गौशाला संस्थान के रजत जयंती महोत्सव की शुरुआत, वहीं भव्य कलश यात्रा निकाली गई। दास रूप हनुमान जी की 51 फीट की मूर्ति का स्वामी रामभद्राचार्य ने किया अनावरण। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद छात्र संगठनों में जोरदार आक्रोश, राजसमंद में एबीवीपी ने जल चक्की चौराहे पर नारेबाजी करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। झालावाड़ के बकानी में नाबालिग किशोर से चाकूबाजी की वारदात, हाथ की उंगलियां कटी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर में बंद होते रेलवे फाटक से निकलते ही जल्दबाजी में बेकाबू ट्रेलर ने बैरियर तोड़ा, वहीं गेटमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सालाबाद रेलवे फाटक की घटना। सीकर में कलेक्ट्रेट के सामने विभिन्न मांगों को लेकर पटवार संघ की ओर से धरना प्रदर्शन जारी, बड़ी संख्या में पटवारी हुए शामिल, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, वहीं मुख्य द्वार पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जोधपुर गैंगरेप मामले में कार्रवाई की मांग। राजसमंद में नगर परिषद की लापरवाही से आमजन परेशान, सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक, दो जगह सांडों की आपस में लड़ाई, वहीं सड़क पर मची अफरा तफरी। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जोधपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना पर सख्त कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। करौली में भी नर्सिंग कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी, वित्तीय और गैर वित्तीय 11 सूत्री मांगों को लेकर कार्मिक धरना। जोधपुर के पुलिस थाना सदर बाजार में दुष्कर्म का मामला हुआ दर्ज, वहीं पीड़ित पक्ष का परिवार कल देर रात तक पहुंचे पुलिस कमिश्नर कार्यालय, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के आदेश पर हुआ मामला दर्ज। चाकसू में भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, वहीं काली पट्टी बांधकर निकाला पैदल मार्च, अंबेडकर सर्किल पर धरना देकर की नारेबाजी। सिरोही जिला कलेक्टर ने टोबेको फ्री यूथ कैंपेन की जिले के अधिकारियों को दिलवाई शपथ, इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सहित अन्य रहे मौजूद। सवाईमाधोपुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट का मामला, रैगर समाज के लोग मामले को लेकर हुए एकत्रित, वहीं नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम सीओ सिटी दीपक गर्ग को सौंपा ज्ञापन। जालौर के सायला में राशन डीलर पर लापरवाही के आरोप, लोगों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नारेबाजी कर जताया रोष। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजपा ने पोखरण में किया विरोध प्रदर्शन, अंबेडकर सर्किल पर जमकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी सहित तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरा। भरतपुर में 20 साल की युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। जयपुर के रेनवाल में भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, वहीं मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तोतला के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर किया विरोध। भरतपुर के डीग में फायरिंग कर लूट की घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, डीग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग। जोधपुर में डकैती के 2 फरार अभियुक्त गिरफ्तार, वहीं गत 8 फरवरी को नागौर रोड पर कार व नकदी को लूट को दिया था अंजाम, पुलिस ने आरोपी हरिनारायण माली व महेंद्र जाट को किया गिरफ्तार।
डूंगरपुर में चोरों के हौसले बुलंद, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार के घर चोरी, लाखों के जेवरात सहित अन्य सामान की अपार। हुडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शहर के अलग अलग इलाकों में गुम हुए 241 मोबाइल किए बरामद। दौसा कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार, आरोपी हरि सिंह निवासी टहला, 2 साल से था फरार। श्रीगंगानगर के घड़साना में सिंचाई पानी को लेकर लगे धरने का मामला, दोनों धरना दे रहे दल आए एक मंच पर, वहीं किसान नेताओं और व्यापारियों के प्रयास से दोनों दल हुए। सिकराया के नामनेर गांव के युवक का मौत का मामला, वहीं एडिशनल एसपी लालचंद कायल पहुंचे घटना स्थल पर, लोगों से की मुलाकात की समझाइश। भीलवाड़ा के कोठड़ी में अफीम किसानों का प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, टोडा चूरा को लेकर मुआवजे की मांग। रतनगढ़ में पानी की कुंड में डूबने से हुई 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत, कुंड से पानी निकालने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। भीलवाड़ा में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जेदिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, विभागीय अधिकारियों व नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रहे मौजूद। सीकर डिपो को 15 नई गाड़ियों की मिली सौगात, यात्री भार वाले रूट पर चलेगी नई गाड़ियां, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। कोटा में सस्ते टमाटर लेने के लिए उमड़ी भीड़, 5 जगहों पर बिके 80 रुपए किलो टमाटर, वहीं लाइन में लगे लोग। जोधपुर में ट्रक के नीचे आई स्कूटी सवार महिला, महिला के दोनों पैर हुए फ्रैक्चर, वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, डांगियावास थाना क्षेत्र का मामला। अलवर के टपूगढ़ा की मिलकपुर तुर्क ग्राम पंचायत में ठगी का सनसनीखेज मामला आया सामने, शातिर ठगों ने मनरेगा श्रमिकों की आईडी से खोले खाते, वहीं फिर अपने नंबर जोड़कर निकाले लाखों रुपए।